दिलेर पूर्वांचल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में यूपी के कौन कौन से बाहुबलियों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह का। जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे बाहुबली धनंजय सिंह को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इस बार सपा प्रत्याशी लकी यादव ने धनंजय सिंह को 17,527 वोटों से हराकर खलबली मचा दिया। धनंजय सिंह राउंड की गिनती में पहले आगे चल रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें सपा प्रत्याशी लकी यादव ने पीछे करते हुए चुनाव में जीत दर्ज किया। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है भदोही के ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का। आपको बता दें कि इस बार बाहुबली विजय मिश्रा को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जेल में बंद विजय मिश्रा को चुनाव में तीसरे स्थान पर जाना पड़ा और उन्हें बुरी तरीके से चुनाव में 42,000 वोटों से चुनाव में हार मिली। बाहुबली विजय मिश्रा लगातार ज्ञानपुर से विधायक बन रहे थे, लेकिन इस बार जेल में बंद होने के चलते विजय मिश्रा को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि विजय मिश्रा को निषाद पार्टी के विपुल दुबे ने चुनाव में हरा दिया। तीसरे नंबर पर नाम आता है विनय शंकर तिवारी का। गोरखपुर जिले के बाहुबली नेता हरीश शंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को भी इस बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पूर्वांचल की राजनीति में हरीश शंकर तिवारी का बड़ा नाम है। चिल्लूपार विधानसभा सीट से हरीश शंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को चुनाव में करीब 21,645 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें भाजपा प्रत्याशी राकेश त्रिपाठी ने चुनाव में हराया है। वहीं चौथे नंबर पर नाम आता है अमन मणि त्रिपाठी का। आपको बताने की अमन मणि त्रिपाठी यूपी के बड़े बाहुबली नेता माने जाते हैं। महाराजगंज विधानसभा सीट से पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीतने वाले अमन मणि त्रिपाठी को इस बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और वह तीसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी ऋषि को 90,265 वोट मिले। वहीं सपा प्रत्याशी कौशल सिंह दूसरे नंबर पर रहे, जबकि अमन मणि त्रिपाठी 46,128 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। अमन मणि त्रिपाठी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं पांचवें नंबर पर नाम आता है मदन भैया का। आपको बता दें कि लोनी विधानसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे बाहुबली मदन भैया को भी इस बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा प्रत्याशी नंदकिशोर गुज्जर ने बाहुबली मदन भैया को चुनाव में करीब 8,710 वोटों से चुनाव में हराया। मदन भैया जिले के बड़े बाहुबली नेता माने जाते हैं, लेकिन इस बार चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यूपी में बाहुबलियों के चुनाव हारने की लिस्ट में छठे नंबर पर नाम आता है कुंडा से सपा प्रत्याशी गुलशन यादव का। बाहुबली गुलशन यादव इस बार कुंडा में राजा भैया के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे, जिसके चलते पूरे यूपी की निगाहें गुलशन यादव पर टिकी हुई थी। आपको बता दें कि पहली बार राजा भैया को किसी ने चुनाव में इतनी कड़ी टक्कर दी, वो है गुलशन यादव। गुलशन यादव को हालांकि चुनाव में 30,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन गुलशन यादव ने राजा भैया को चुनाव में कांटे की टक्कर दी। वहीं सातवें नंबर पर नाम आता है बाहुबली नेता मोनू सिंह का। सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा सीट पर बसपा से चुनाव मैदान में उतरे मोनू सिंह को एक बार फिर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। इसौली विधानसभा में सपा प्रत्याशी मोहम्मद ताहिर खान ने बाहुबली यश भद्र सिंह मोनू को 15,000 वोटों से हराया। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार
इन सभी सात बाहुबलियों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दिलेर पूर्वांचल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।